विश्व भर में मनाया जा रहा अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस। जी हां, नमस्कार, पीडी न्यूज दबी जुबा की दास्ता में आपका स्वागत है। आदिवासी समाज के लोग अपनी संस्कृति, भाषा एवं अस्तित्व को बचाने के लिए हर वर्ष के 9 अगस्त को भव्य आयोजन के साथ विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि दुनिया भर में करीब 35 करोड़ की आबादी में आदिवासी समाज के लोग देश दुनिया में बसे हुए हैं। वहीं बड़ी आबादी को देखते हुए 1994 में से संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व के आदिवासियों का अस्तित्व को बचाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मना रहा है। वहीं आदिवासी विकास परिषद बिहार द्वारा भकड़ीपुर कुरेठा प्रखंड मनिहारी के जिला कटिहार में विश्व आदिवासी दिवस के महापर्व का विधिवत संपन्न हुआ, जिसमें स्वयंसेवी संस्था आदिवासी विकास परिषद के कार्यकर्ता मुख्य रूप से भाग लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्री सुरेश उराव, बिहार प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र उराव, विजय उराव अध्यक्ष आदिवासी विकास परिषद पूर्णिया के दिनेश उराव, उत्तम पासवान, राकेश उराव मनिहारी से, चंपई किसपुर डंडखोरा से माले नेता बिटका हेम्ब्रम आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट के लिए मनीष कुमार रॉय की रिपोर्ट। आज बकरीपुर मैदान में सर विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सही प्रखंड बकरीपुर आदिवासी विकास चलते हैं। विश्व आदिवासी दिवस बेहतर रूप से यहाँ मनाते जा रहे हैं। विश्व आदिवासी दिवस का मेन उद्देश्य है विश्व में आदिवासी अपना कल्चर, अपना संस्कृति, अपना जो इतिहास है उसको एक ताज़ा करने का काम किया इस परिषद के माध्यम से। आदिवासियों के साथ बिहार सरकार बहुत नाइंसाफी कर रही है, वह उस बात पर भी यहाँ चर्चा किया गया कि आज अन्यत्र जो दूसरे जाति का है उन जाति को आदिवासी बनाने के लिए सरकार इस तरीके से मंशा बनाई है। जो आदिवासी को जितना आरक्षण मिलना चाहिए, जितना आबादी है उस आबादी के हिसाब से यहाँ आरक्षण नहीं है और दूसरी जात को फिर से खुदते जा रहे हैं। सरकार आदिवासियों के साथ अच्छा नहीं कर रहा है, उनके साथ सतोला व्यवहार कर रहा है और आदिवासी अब इस संस्कृति, इस आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में अपना संस्कृति को बचाते हुए अपना अधिकार को मांगती है बिहार सरकार से। बिहार सरकार आदिवासियों का जो सीट है, जो मनिहारी विधानसभा सीट है, बनौट आदिवासी को यहाँ से विधायक बन के मूल आदिवासी का कोई अधिकार नहीं देने का काम करती है। इसमें आदिवासियों में बहुत आक्रोश है। अभी सर पूरा देखा जा रहा है कि जो है आदिवासी तो बहुत लोग हैं, माने लगभग भारत में जो है विश्व में लगभग जो है 35 करोड़ लगभग जो है हमारा आदिवासी है, लेकिन जो है एकत्रित एक मैंने संगठन मजबूत रूप से अब तक क्यों मैंने नहीं बना पा रहा है, क्या कारण है? आदिवासी 37 करोड़ है, जिसमें भी 5000 आदिवासी अलग अलग टाइप के, 7000 भाषाएं हैं आदिवासी। तो पूरे विश्व में आदिवासी दिवस आज के डेट में मनाया जा रहा है। भले भारत में जगह जगह पर बहुल क्षेत्र है आदिवासी, वहां तो विस्तृत रूप से हो रहा है, बिहार में
भीड़ बहुत संख्या है यहाँ पर, लेकिन सरकार हम लोग को नगण्य दिखा रहा है। अगर सही रूप से जनगणना किया जाए तो आदिवासी भी बिहार में कम से कम 50 लाख से ऊपर है। और एक सवाल सर, ये अखिल आदिवासी विकास परिषद जो है कई दिनों से ये काम कर रही क्षेत्र में लोगों का विकास हेतु कई ऐसे कार्यक्रम करते रहे हैं, लेकिन आज क्या कमी रह गया जो कि बहुत मतलब जो जैसे आना चाहिए था लोग नहीं आ पाए? अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद एक संगठन है, संगठन में उतना आर्थिक मजबूती नहीं है, लोग कर रहे हैं अपना काम करते हुए अपने समाज को भी जागृत कर रहा है। संगठन मजबूत होगी, आज होगी या कल होगी, लेकिन निश्चित रूप से संगठन मजबूत होगी और आदिवासी के हित में होगी। सही सर, मेरा नाम हुआ जितेंद्र उराव, बिहार आदिवासी विकास परिषद के खाते से। अपना परिचय बताए सर। मेरा नाम विजय उराव है, पूर्णिया जिला आदिवासी विकास परिषद के जिला अध्यक्ष और सह पार्षद नगर निगम पूर्णिया। आज बखरीपुर गांव में मानसाही प्रखंड के नवगठित कमेटी के द्वारा विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में हम लोगों को आमंत्रित किया गया, हम लोग यहां उपस्थित हुए हैं और हमारा जो उद्देश्य ये विश्व आदिवासी विकास परिषद मनाने का, ये हमारा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1994 में इसकी घोषणा की और उसके आधार पर हम लोग पूरा विश्व में विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं, पूरे विश्व में आदिवासी दिवस मना रहे हैं। आज हम लोग उसी संदर्भ में पूर्णिया में भी मनाए और आज अभी हम लोग बकरीपुर में है। इस बकरीपुर में जो हम लोग का जो मांग है बिहार सरकार से, ये मांग आज नहीं 2021 से ही है, क्योंकि पहले आरजेडी की सरकार थी और आरजेडी के सरकार के समय में भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग हमारे आदिवासी का आरक्षण समाप्त किया गया, आज उसको बताने का काम कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो बोलती है हम हिंदू का पार्टी है, लेकिन ये आदिवासी का पार्टी नहीं है, ये आदिवासी का हनन करती है और आदिवासी का हित में कोई काम नहीं कर रही है। तो इसीलिए हम लोग पूरे बिहार में जिस तरह से हम पूरा प्रमंडल स्तर पर हम लोगों को जागरूक करने के काम कर रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बिहार स्तर पर जागरूक करने का काम कर रहे हैं, हम लोग की ठोस लड़ाई है सरकार से, जो हमारा हक और अधिकार है। जो बिहार में जब झारखंड साथ था तो उस समय 10% आरक्षण था और अब उसको घटा के 1% कर दिया गया और उस 1% को में भी हम लोग पहले मूल आदिवासी 23 हुआ करते थे, अभी बिहार सरकार जो हम लोग का आदिवासी में गैर अन्य आदिवासी को जैसे कि मल्लाह, निषाद, नुनिया, बिंद, इस प्रकार के कई उस जाति में है, क्योंकि ये बहुत बड़ी जाति है, उसके अंदर में बहुत सारे जाति है। तो हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि आदिवासी का 1% आरक्षण है, इस 1% आरक्षण में अभी हमारे युवा करोतियां, हमारे बहुत सारे बेरोजगार हैं, उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है और आप अन्य जाति को हमारे अनुसूचित जाति और एसटी में शामिल करने का काम कर रहे हैं, ये आदिवासी के साथ में सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। आने वाला समय में चाहे हमारा समाज को जगाने में हमको 5 साल लगे या 10 साल लगे, हम जगा के हम आपसे सत्ता, आप जो सत्ता के लालच में है, आपको सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। बता देते हैं पूरे बिहार में 41 सीट ऐसा है जो कि बिहार में आदिवासी अपना प्रतिनिधित्व चुन सकता है और ये 41 सीट पर हम लोग का दावेदारी होगा आने वाला समय में और लोकसभा में हम लोग का केंद्र के सरकार में 7.5% आरक्षण है, उस अनुसार बिहार में भी 3 संसदीय जिला को घोषित करना चाहिए, जिससे चूंकि हमारा आदिवासी का बात को केंद्र में रखने का काम करेगा, बिहार सरकार को रखने का काम करेगा। हम अपना हक और अधिकार संविधान के द्वारा निर्मित हम उसको मांगते हैं, अपना हक और अधिकार को, ये नहीं कि हम किसी का मांग रहे हैं। इसीलिए हम आप लोग सभी मीडिया बंधु से निवेदन है कि उसको
अधिक से अधिक आप लोग दिखाइए और सरकार से भी सवाल जवाब कीजिए, क्योंकि आपको जिला लेवल के मीडिया है, आप अपने आला कमान के पास भेजिए, वो लोग बिहार सरकार से सवाल जवाब करेंगे आदिवासियों के।